स्वप्न है कि हस्तिनापुर में एक गुरुकुल हो जहां पर बालकों की भांति बालिकाएं भी युद्ध शिक्षा में पारंगत हो और अपनी सुरक्षा करना सीखें। अति उत्तम विचार है पुत्री। प्रणिपात। यदि प्रत्येक स्त्री अपनी सुरक्षा में समर्थ हो जाए तो कोई भी पुरुष उस पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। यदि वो अबला से सबला बन जाए तो ना ही कोई चीरहरण होगा और ना ही कोई महाभारत होगी। श्रेष्ठ पिताश्री, आपने स्मरण किया? हां पुत्र, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। गांधारी, जीवन का हर चरण देख लिया पुत्रों, परंतु अब वानप्रस्थ करके संन्यास ग्रहण करने का समय आ गया है। हाँ पुत्र, तेजस्वी जी जी और मुझे विदा लेने की आज्ञा है। प्रस्थान? किंतु अचानक ऐसे? क्या हुआ माता? कोई समस्या हुई है या हमसे कोई भूल हुई है इसे आपको कष्ट पहुंचा है? नहीं पुत्र, तुमने और द्रौपदी ने अपना कर्तव्य कुशलता से पूर्ण किया है और अब हमने निर्णय लिया है कि हम तीनों वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान करें। पुत्र का मोह आपको जाने भी नहीं देना चाहता और पुत्र का धर्म आपको रोक भी नहीं सकता। आप सबके तप संचय को रोकना भी पाप होगा। आदेश दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री, व्यवस्था हो जाएगी। पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है। परंतु हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। आप सभी के साथ हमें भी एक उत्सव मनाने का सौभाग्य तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, जैसा तुम सबको ठीक लगे पुत्रों। तो ठीक है, तो मैं इस उत्सव की तैयारियां प्रारंभ करती हूँ और सभी परिजनों को निमंत्रण भिजवाती हूँ। सर्वप्रथम माधव को। सखी ने निमंत्रण दिया है, स्वीकार करना ही पड़ेगा।
माधव, आप सदैव हम सबके साथ हमारे दुख में उपस्थित रहे, परंतु आज सुख के समय पर आपके आगमन ने हम सबके आनंद को दुगना कर दिया। मेरी सखी मुझे निमंत्रण दे और मैं न आऊं? तुम सबका परिश्रम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब प्रेरणा देने वाला शुभ हो तो परिश्रम का फल भी शुभ ही होता है माधव। आइए माधव, अपना स्थान ग्रहण करें। सांब के साथ जो हुआ, हमें उसका समाचार मिला माधव, हमें उसका खेद है। कुमार सांब के शल्य चिकित्सा के पश्चात उनके पेट से ये मूसल निकला है। समय का चक्र और नियति को कोई नहीं रोक सकता धर्मराज। परंतु मुझे सदा खेद रहेगा। ये नियति मेरे ही श्राप के कारण आई है वासुदेव। प्रणिपात राजमाता। संतोष मिला कि मेरी भूल के पश्चात भी आपका यहां आगमन हुआ वासुदेव। नहीं राजमाता, मैं आया क्योंकि मेरा यहां उपस्थित होना आवश्यक था। मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव। बीते समय पर शोक मनाने से कोई लाभ नहीं। आनंदमय तो ये है कि हम सभी आने वाले नए भविष्य का स्वागत करें। कैसा भविष्य माधव? बधाई हो सम्राट, महारानी वृषाली ने पुत्र को जन्म दिया है। आंखों में इसके पिता की भांति तेज। कल्याण हो पुत्र। बुआ श्री, इस बालक का नामकरण कीजिए। ये कार्य आपका। कर्ण के एक वीर पुत्र का नाम वृषसेन था और इस वीर बालक का नाम है राधे कर्ण पुत्र वृषकेतु।